Hello everyone, welcome to Bansal Learning, the smarter way of learning. So today we are going to start with our next chapter, and it is very very important as far as from the CBSE is concerned and as far as from the NEET is concerned. And this chapter basically constitutes your basic नॉलेज, ठीक है. बेसिक आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आगे जाके आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी प्लस टू क्लास में भी. सो अच्छी तरह से करना, और ये आपका लाइफ लॉन्ग टाइप का चैप्टर है जो आपको हमेशा, अगर मेडिकल जैसे आपने ली है तो हमेशा आगे आता रहेगा, बेशक आप कोई भी फील्ड ले लो तो. ठीक है जी, तो इसको आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है. मैं साथ साथ में बताऊँगी CBSE, NEET, AIIMS वगैरह सब में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है जी. So first of all, know your faculty. Hi, this is Mitanksha and I will be your bio faculty for this session. And do subscribe, like and share as much as you can, because knowledge किससे बढ़ती है? देने से, right? Okay. So first of all, हमारा chapter का नाम है cell cycle and cell division. मतलब something related to cell, है ना? कि cell से related ही है ये, कि सेल का साइकिल किस तरह से चलता है, सेल की डिवीजन किस तरीके से चलती है, उसके रिगार्डिंग ही ये सारा का सारा जी है ना. तो एक ना रुडोल्फ वर्चाओ एक साइंटिस्ट था. ही वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसने बोला था. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में उसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला, है ना, इस तरह से. तो सेल साइकिल बच्चे एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है. ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज हैं चेंजेस की, जो कि अकर करती हैं न्यूली फॉर्म सेल में बाय विच इट डुप्लीकेट्स इट जीनोम, ठीक है. ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड एक सीरीज है चेंजेस की, सेल साइकिल, ठीक है. वॉट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है चेंजेस की दैट अकर इन द न्यूली फॉर्म्ड सेल, ठीक है, जो कि अकर करती है न्यूली फॉर्म सेल में बाय विच इट डुप्लीकेट्स इट जीनोम. इसके कारण ही जो जीनोम है हमारी वो डुप्लीकेट करती है, ठीक है. इट सिंथेसाइजेज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अंडरगोस द ग्रोथ एंड डिवाइड टू फॉर्म द टू डॉटर सेल्स. आपको कोई नहीं पूछेगा CBSE में कि वॉट इज सेल साइकिल, डिफाइन द सेल साइकिल, कोई नहीं पूछेगा. ना ही आपको नीट में पूछेंगे और ना ही कोई भी मेडिकल एंट्रेंस में आपको सेल साइकिल का पूछेंगे. बट ये चैप्टर हमने स्टार्ट करना है तो वी हैव टू गो विद द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ताकि आपको पहले पता चले कि सेल साइकिल होता क्या है ना. सो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है चेंजेस की दैट अकर इन अ न्यूली फॉर्म सेल, ठीक है, एक न्यूली फॉर्म्ड सेल में अकर करती है बाय विच इट डुप्लीकेट्स इट जीनोम, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है. इट सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अंडरगोज द ग्रोथ एंड डिवाइड टू फॉर्म द टू डॉटर सेल, ठीक है. और ये क्या करती है, ये उसकी अगली वाली अंडरग्रो करती है ग्रोथ, अंडरगोज द ग्रोथ प्रोसेस एंड दे डिवाइड टू फॉर्म द टू डॉटर सेल. सो एक साइकिल है जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस अराइज करती हैं जेनेटिकली वगैरह, ठीक है जी. ये होता है आपका सेल साइकिल. सो देर आर वेरियस फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. वो कौन कंट्रोल करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो. बेशक ये नहीं आती, बट आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज सेल साइकिल. इफ़ यू विल बी गोइंग इन सम इंटरव्यूज, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो. अगर वो जान के ना बेसिक पूछते हैं तो चेक आउट दैट कि आपको बेसिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है. ऐसे तो रट्टा नहीं मारा हुआ आगे आगे चलते चलते. सो ये सब कुछ चीज़ें चेक होती हैं उस टाइम पे. तो सेल साइकिल क्या है बच्चे? सेल साइकिल एक डेफिनेशन है, ठीक है जी. तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई एम वेटिंग फॉर यू. फिर बताऊँगी कि सेल साइकिल के जो फेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कौन रेगुलेट करता है, ठीक है. फिर हम पूरा का पूरा सेल साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है जी. पहले जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेल साइकिल जो फुली कंप्लीट होना है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो साथ ही में वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेल डिवीजन, ठीक है. वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. छोटा सा ही बिल्कुल आपका चैप्टर है, तो इतना लेंदी नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे आता है, ठीक है. तो लिख लो जल्दी से इसको, आई एम वेटिंग फॉर यू.
सेल साइकिल की ना एक और भी डेफिनेशन लिखवाते हैं कि इट इज़ अ सीक्वेंस एंड द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ एंड सेल डिविजन एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज सेल साइकिल। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, ये मोस्टली स्कूल्स में लिखवाई जाती है। लिख लो पहले ये, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो बच्चे, डोंट मिस एनी ऑफ द पॉइंट, सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं करना, क्योंकि साथ साथ में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको रट्टा लग जाएगा एक तरह का, इसका पूरा याद हो जाएगा अच्छी तरह से, समझ भी पूरी आ जाएगी। हो गया कंप्लीट, जल्दी से लिख लो इसको, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से कर लो। इट्स वेरी वेरी सिंपल, काफ़ी इजी भी है, टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें और नीट में भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से आती हैं। जैसे फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया अभी सेल साइकिल की डेफिनेशन नहीं आएगी, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना, कि सेल साइकिल होता क्या है जो आप स्टडी करने जा रहे हो, राइट तो जल्दी से लिख लो। ओके जल्दी से, डन। ओके सो पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन कौन से हैं, जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटीन्स होते हैं, उनका नाम होता है साइक्लिन, या एक साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन भी बोला जाता है प्रोटीन काइनेसिस, तो उसको CDKs बोलते हैं। ठीक है, सो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ये दो चीज़ें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं सेल साइकिल के फेजेस को, तो CDKs, ये CBSE में तो अब तक नहीं आया बट नीट में आ सकता है। ठीक है, तो ये लिख लो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कौन है इसके बिहाइंड, तो दे आर द प्रोटीन साइक्लिन्स एंड द साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, दैट इज CDKs। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो बच्चे इसको, आई एम वेटिंग फॉर यू।
लिख लिया बच्चे, बताओ। बच्चे लिख लो जल्दी से, हो गया? ओके। सो नेक्स्ट इज द टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स विच टेक डिसीजन अबाउट द सेल डिवीजन आर चेक पॉइंट्स। ठीक है, एक दो ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैं जो कि डिसीजन लेते हैं कि सेल डिवीजन होनी है कि नहीं होनी, तो उनको हम ना चेक पॉइंट्स बोल देते हैं। सो एक होता है फर्स्ट चेक पॉइंट और एक होता है सेकेंड चेक पॉइंट। ठीक है, सो देयर आर टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच आर नोन एज चेक पॉइंट विच टेक डिसीजन अबाउट द सेल डिविजन। सो फर्स्ट चेक पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज G1 साइक्लिन। ठीक है, फर्स्ट जो चेक पॉइंट होता है ना, इसको G1 साइक्लिन भी बोलते हैं। ठीक है, इट लाइज इन बिटवीन द G1 एंड S फेज। ठीक है, आप जब साइकिल की डायग्राम देखोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा इससे कि जो फर्स्ट चेक पॉइंट होता है इट लाइज बिटवीन द G1 एंड S। ठीक है, एंड इन G1 CDK बिकम एक्टिव बाय G1 साइक्लिन एंड ATP एट इट्स एक्टिवेशन साइट। ठीक है, एंड इट कॉजेज द ट्रांजिशन फ्रॉम द G1 टू S फेज। तो ये जो ऐसी फेज है जिसमें देर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द G1 टू S फेज टेक प्लेस, G1 साइक्लिन इज डिस्ट्रॉयड इन द S एंड ऑफ दिस S फेज एंड CDK बिकम इनएक्टिव। पहले क्या हो रहा था जी फर्स्ट चेक पॉइंट में, कि इसको सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इसको ना क्या बोलते हैं, इसको G1 साइक्लिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? G1 साइक्लिन भी बोलते हैं, इसको CG1 भी बोलते हैं और G1 स्लैश S भी बोलते हैं। सो इट लाइज इन बिटवीन द G1 एंड S फेज, G1 और S फेज के बीच में लाए करती है। जो G1 साइक्लिन होती है इट इज़ डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक और चीज़ भी है इसमें कि G1 के अंदर इन G1 फेज CDK बिकम एक्टिव। सबसे पहले क्या होता है G1 फेज में ना, CDK जो होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, इट बिकम्स एक्टिव बाय द G1 साइक्लिन। G1 साइक्लिन ना उसे एक्टिव कर देती है CDK को, एंड ATP एट इट्स एक्टिवेशन साइट, ATP वगैरह भी रिलीज होती है। सो इट कॉजेज द ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S। उनके एक्टिव होने से क्या होता है कि जो G1 फेज से S फेज में शिफ्ट होता है। G1 साइक्लिन देन इज डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ आपका S फेज। S फेज के एंड में ना जो G1 आपकी साइक्लिन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑब्वियसली G1 साइक्लिन क्या कर रही थी? CDK को एक्टिव कर रही थी। तो अब G1 साइक्लिन खुद ही डिस्ट्रॉय हो रही है तो CDK क्या हो गई? इट बिकम्स इन एक्टिव, राइट? सो एल देन सेल एंटर्स इन टू द G2। ठीक है, फिर सेल क्या करेगा जी? एंटर कर जाएगा G2 में। सो दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट। नेक्स्ट इज सेकेंड चेक पॉइंट लाइज बिटवीन द G2 एंड M। ठीक है, वो पहले वाला चेक पॉइंट लाई कर रहा था G1 एंड S फेज के बीच में, और ये वाला जो है इट लाइज बिटवीन द G2 एंड M फेज। सो इन G2 जो इनएक्टिव CDK थी इट बाइंड टू द सेकेंड चेक पॉइंट। ठीक है, माइटोटिक साइक्लिन होती है जिसको हम बोलते हैं CM और G2M/M। इट गेट फॉस्फोलेटेड एट इट्स बोथ एक्टिवेशन एंड इनहिबिटरी साइट बट स्टिल रिमेन इनएक्टिव। इसको फॉस्फोलेट किया जाता है, बाइंड कर जाती है सेकेंड चेक पॉइंट पे आके जो कि माइटोटिक साइक्लिन है उसके साथ, बट स्टिल वो इनएक्टिव रहती है। सो इन रिमूवल ऑफ द PO4, ठीक है, PO4 के रिमूवल के बाद फ्रॉम द इनहिबिटरी साइट इट गेट्स एक्टिव। कैसे एक्टिव होती है? जब PO4 को हम लोग रिमूव कर देते हैं इनहिबिटरी साइट से तो वो एक्टिव हो जाती है, एंड इट कॉजेज द ट्रांजिशन फ्रॉम द G2 टू M फेज। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी? G2 से M फेज में लेके जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द M फेज, बिल्कुल एंड में क्या होगा M फेज के, जो साइक्लिन CM थी इट इज डिग्रेडेड। ठीक है, एंड PO4 एट एक्टिवेशन साइट इज रिमूव्ड। ठीक है, क्योंकि वो CM ही तो इसको एक्टिव कर रही थी दोबारा से, तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये CM होगी वो डिग्रेड हो जाएगी एंड में M फेज के, और PO4 जो है एट द एक्टिवेशन साइट इज रिमूव्ड, एक्टिवेशन साइट पे वो रिमूव कर दिया जाएगा उसको, एंड द सेल एंटर द G1 अगेन, दोबारा से वो G1 की तरफ आ जाएगी।
ठीक है जी। तो ये है इसका सारा, तो ये आप जल्दी से कर लो। साइकिल जब आपको शो होगा तो उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से समझा दूंगी, पर ये जल्दी से पहले लिख लो कि ये होते क्या है चेक पॉइंट्स और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चेक पॉइंट G1 और S के बीच में आ रहा था, सेकेंड वाला किसके बीच में आ रहा था, G2 और M के बीच में, है ना। जल्दी से लिख लीजिए, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड एंड लर्न समथिंग मोर अबाउट दीज थिंग्स, राइट। लिख लो जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू।
एक टर्मिनोलॉजी आती है इसमें, जनरेशन टाइम. सो इट इज़ बेसिकली द टाइम बिटवीन द टू सेल साइकिल्स. ठीक है, दो सेल साइकिल्स के जो बीच का टाइम होगा दैट इज नोन एज जनरेशन टाइम. ठीक है, जनरेशन टाइम बेसिकली वेरीज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू डेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, अगर इन कल्चर द ह्यूमन सेल डिवाइड वंस एवरी 24 आवर्स. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वेरिएशन आती हैं इसमें. सबसे पहले आप बच्चे क्या करोगे इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक और चीज़ बताती हूँ कि जो सेल साइकिल होते हैं ना उसके पास दो बेसिक फेजेस होते हैं या स्टेट्स होते हैं या पीरियड्स होते हैं. देर इज़ अ लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज विच इज़ नोन एज आई फेज. ठीक है, उसमें नॉन डिविजन है. एक होता है शॉर्ट डिवाइडिंग फेज विच इज़ नोन एज एम फेज. बोथ हैव द सब स्टेजेस ऑल्सो, आई और एम दोनों के पास सब स्टेजेस हैं. सो एम फेज इज़ द पीरियड ऑफ और बेसिक फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिविजन. ठीक है, एंड इट इज़ ऑफ द वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू द आई स्टेज. एंड इन द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स इन द सेल साइकिल ऑफ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल, एम फेज लास्ट फॉर मेयर 1 आवर. 24 आवर्स का सेल साइकिल चल रहा है अगर, तो उसमें सिर्फ 1 आवर का एम फेज रहता है. ठीक है, विच इज़ लेस देन 5% ऑफ द टोटल, राइट. सो आई फेज रिप्रेजेंट द इंटरफेज. ठीक है, उसको इंटरफेज बोला जाता है. और जो आपका एम फेज होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज. तो आज हम ये दोनों फेजेस को, उसके सब स्टेजेस को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और वो वाला जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरेशन टाइम भी लिख लो. और जनरेशन टाइम भी ज़्यादातर नहीं पूछते, नीट वाले पूछते हैं, तो इसलिए जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो आई फेज है, इंटर फेज है, उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे. ठीक है, लिख लो जल्दी से. और डायग्रामेटिकली भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी किस तरह से यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, कि कौन से चेक पॉइंट है, सेकंड चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट. ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. Then, okay. So, see. एक होता है आपका फर्स्ट चेक पॉइंट एंड सेकेंड चेक पॉइंट. ठीक है जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. ठीक ठीक है, जो आपका फर्स्ट चेक पॉइंट था उसको हम G1 साइक्लिन भी बोलते थे, है ना. तो G1 चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं. तो ये G1 और S फेज के बीच में लाई कर रहा है ना, मतलब ये पिंक और ब्लू वाला जो रीजन है उसके बीच में लाई कर रहा है. और G1 जो है इसमें CDK बिकम्स एक्टिव इन दिस. CDK क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा बाय G1 साइक्लिन.
एंड एटीपी एट इट्स एक्टिवेशन साइट, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, जी1 टू एस फेज में आ जाएगा। तो जी1 साइक्लिन ना फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड ऑफ द एस फेज, ठीक है, फिर वो सीडीके इनएक्टिव हो जाएगी, फिर सेल एंटर कर जाएगा आपका जी2 में जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, फिर सेकंड चेक पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लाए करता है जी आपका जी2 और एम फेज में जो लास्ट वाले ग्रीन और येलो वाले हैं। सो जी2 जो है वो इनएक्टिव हो गया था, जी2 वाले में इनएक्टिव जो सीडीके था वो ना जाके बाइंड करेगा एक सेकेंड चेक पॉइंट पे, ठीक है, जो कि इसका नाम है साइक्लिन, माइटोटिक साइक्लिन CM वाला, है ना। सो इट गेट फॉस्फोलेटेड एट इट्स बोथ एक्टिवेशन एंड द इनहिबिटरी साइट्स बट स्टिल रिमेन इनएक्टिव, वो फिर इनएक्टिव रहेगा। फॉर ऑन रिमूवल ऑफ द PO4, जब PO4 की रिमूवल हो जाएगी फ्रॉम द इनहिबिटरी साइट, इट गेट्स एक्टिव एंड इट कॉजेज, देखो इनहिबिटरी साइट से वो उसका क्या होगा रिमूवल, तो इट गेट्स एक्टिव एंड कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम द G2 टू M फेज, एंड एट द एंड ऑफ द M फेज जो साइक्लिन CM था वो डिग्रेड कर देंगे, PO4 को एक्टिवेशन साइट से भी डिग्रेड कर दिया जाएगा, सो एंड सेल एंटर द G1 अगेन, दोबारा से वो एंटर कर जाएगा जी। सो ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम जो कि G1 S G2 M G1 इस तरह से जाता है, ठीक है जी। इन्होंने क्या बताया है, जी1 चेक पॉइंट में बताया है कि वो चेक करता है सेल साइज कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ग्रोथ फैक्टर कितने हैं, DNA डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। एक ना जी नॉट फेज भी आता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी वो क्या होता है, वो हम एम फेज के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे आगे। तो एस में बताया है इन्होंने कि यहाँ DNA सिंथेसिस हो रही है, G2 चेक पॉइंट पे दे आर शोइंग कि दे चेक फॉर द सेल साइज एंड DNA रेप्लिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब कुछ बताएंगे। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पे दे विल शो, दे विल बेसिकली चेक फॉर द क्रोमोसोम अटैचमेंट टू द स्पिंडल, ठीक है जी। तो ये बच्चे जो आपका सारा का सारा वो होता है, ठीक है जी। तो ये आपको बनाना होगा अच्छी तरह से, साथ साथ में यू हैव टू राइट दिस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, इट इज़ प्रेजेंट इन द योर मोर अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ट्रूमैन एलिमेंट्री में अवेलेबल है, आपके स्टडी मटेरियल में भी होगा, यू कैन मेक इट फ्रॉम देयर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स द इंटरफेज नाउ, ठीक है, इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे। सो इंटरफेज या आई फेज जो होता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ न्यूली फॉर्म्ड सेल एंड इट्स न्यूक्लियस बिफोर इट बिकम्स फुली कैपेबल ऑफ डिविजन अगेन। सो इसमें क्या होता है, एक इंटरफेस में एक सीरीज ऑफ चेंजेस आ रही होती हैं दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूली फॉर्म सेल, जो कि एक बिल्कुल न्यूली फॉर्म सेल में वो आ रही होती है, चेंजेस आ रही होती हैं उसके न्यूक्लियस में, चेंजेस आ रही होती है, जबकि उससे पहले कि वो कैपेबल बन जाए डिविजन के लिए, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरमाइटोसिस, इनको इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं, एंड यू हैव टू राइट इट इन अ पॉइंट वाइज मैनर, ठीक है, वेन एवर द क्वेश्चन विल अराइज फॉर दिस थिंग। सेल साइकिल बोलते हैं तो सेल साइकिल बनाना पड़ता है, हर एक एक्सप्लेन करना पड़ता है, इंटरफेस के बीच वाले जो आगे सब पॉइंट्स आएंगे वो वाले भी एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है जी। सो इसको इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं, प्रीवियसली इट वॉज नोन एज रेस्टिंग स्टेज, प्रीवियसली इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते थे, क्यों, बिकॉज देर इज नो एपरेंट एक्टिविटी ऑफ द सेल डिविजन इन दिस केस, ठीक है। द इंटरफेज इज मेटाबॉलिकली क्वाइट एक्टिव होता है, या आगे पॉइंट्स और करते हैं, पहले इतने पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, इसे मैं बता ही देती हूँ थोड़ा थोड़ा साथ में और, कि जो इंटरफेस सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, एंड देर इज रेप्लीकेशन ऑफ वेरियस सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग क्रोमोजोम का रेप्लीकेशन हो जाएगा, देन सेल ग्रोज इन साइज एंड बिकम ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है जी, एंड एट द एंड ऑफ द सेल बिकम्स रेडी फॉर द इक्विटेबल डिविजन इनटू टू इक्वल डॉटर सेल, एंड में तो आपको पता है किसने रेडी हो जाना है डिविजन के लिए। सो सम वर्कर टर्म द इंटरफेज एज एनर्जी फेज ऑल्सो, कई वर्कर्स ने इसको एनर्जी फेज भी बोला। इंटरफेज जो है वो ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ द 75-95% ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम, ठीक है, एंड मतलब ज़्यादातर इंटरफेज ही चल रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिविजन वाला काफ़ी कम होता है। सो हाउ एवर द नॉन डिवाइडिंग फेज स्टेट ऑफ द मेच्योर सेल एंड इट्स न्यूक्लियस इज नोन एज इंटरफेज, सो इट लास्ट थ्रू आउट द डिवाइजिंग डिवाइडिंग स्टेट ऑफ द मेच्योर सेल, ठीक है जी। तो ह्यूमन नर्व सेल जो होते हैं दे डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, उसके बाद ना ह्यूमन नर्व सेल डिवाइड नहीं करते, देयरफॉर इंटरफेज पीरियड ऑफ ह्यूमन नर्व
सेल लास्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन, ये क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, ध्यान रखना कि जो इंटरफेस ह्यूमन नर्व सेल्स का होता है वो थ्रू आउट द लाइफ तक रहता है, क्योंकि उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं आफ्टर द बर्थ, ठीक है। इंटरफेस जो होता है डिवाइडिंग सेल का, वो आगे तीन स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, वो हम लोग करेंगे, पर सबसे पहले ये लिखो, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर अलग अलग से सारे के सारे जो फेजेस हैं उसको धीरे धीरे वी विल बी डूइंग, ठीक है जी। तो लिख लो इसको, आई एम वेटिंग फॉर यू। हो गया कंप्लीट? हो गया? जल्दी से लिख लो बच्चे इसको। लिख लो बच्चे, डोंट मिस द सिंगल पॉइंट, ठीक है, लिख लो जल्दी से। कई बार पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है एक्सप्लेन द सेल साइकिल, तो उसमें पहले सेल साइकिल डेफिनेशन लिख दो, फिर उसके बाद में ये सारे इंटरफेस वगैरह स्टार्ट कर दो, उसके सब डिवीजन जो आगे कराऊंगी आगे वो सब स्टार्ट कर दो, बट डू राइट इट इन अ पॉइंट वाइज मैनर एंड हेडिंग शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, राइट, इसलिए बोल रही हूँ। साथ में जो डायग्राम है वो बनाना मस्ट है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कई बार तो सिर्फ डायग्राम बनाने को भी बोल देते हैं CBSE वाले, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ की एक सिंगल वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है जी। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो इंटरफेज जो होता है ऑफ डिवाइडिंग सेल हैज़ थ्री स्टेजेस, इसकी तीन स्टेजेस होती हैं। ये G1 वगैरह जी के नीचे पैर पे वन होता है, ठीक है जी। तो G2 में भी जी के टू जो है वो नीचे होता है। सो G1 फेज सबसे पहला फेज होता है, फिर उसके बाद S फेज और G2, मतलब G1 S और G2 जो हैं ये इंटरफेज के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे डीपली, बट सबसे पहले ये आप लिख लो कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके वी विल बी गोइंग टू डू दिस थिंग, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगी मैं इसको फिर उसके बाद में। अब आपने डायग्राम देख लिया, अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आपको, है ना। सबसे पहले G1 है, फिर S है, फिर G2 है ना, फिर M है, फिर उसके बाद दोबारा से G1 है, और एक G0 भी आती है। वो कहाँ आती है वो हम करेंगे उसके बाद में, M फेस में सिखाऊंगी आपको क्या कहाँ पर आती है बाद में। ये जो G1 वाली होती है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रोथ फेस, इसको फर्स्ट ग्रोथ फेस भी बोला जाता है। ATP हो गए आपके, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, RNA हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियस, ये सब कुछ G1 में होता है, ठीक है। और S को ना हम सिंथेसिस फेस भी बोलते हैं, ठीक है। सिंथेसिस फेस का मतलब जिसमें DNA डुप्लीकेशन होगा, हिस्टोन सिंथेसिस है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस है, रेप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, रेप्लीकेशन है, ठीक है। G2 है जो वो सेकेंड ग्रोथ फेस होता है, और उसमें आपका RNA प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है जी, और देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू। M फेज अगर देखा जाए ना, तो काफ़ी सारे इसमें सब डिविजन्स भी आ जाती हैं बाद में, दैट इज़ योर प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती है। एक ना G0 फेज होता है, वो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन वाला होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ हम लोग चेकआउट करेंगे। पहले ये लिख लो जल्दी से, लिख लो बच्चे जल्दी से इसको। डन, ओके। सो द फर्स्ट फेज इज G1 फेज, है ना। G1 फेज आपका सबसे फर्स्ट फेज है। G1 फेज को बच्चे फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है, या पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ द फेज बिटवीन द एंड ऑफ M फेज, ठीक है, ऑफ प्रीवियस सेल साइकिल एंड द इनिशियल इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। ये किसके बीच में फेज आता है, देखो आपने पूरा साइकिल पढ़ा था, यहाँ पर M फेज था, यहाँ पर आपका G1 फेज है, तो पहला वाला जो साइकिल है वो कंप्लीट हुआ होगा, है ना। फेज बिटवीन द एंड ऑफ M फेज ऑफ द प्रीवियस साइकिल, मतलब पुराना वाला साइकिल, एंड इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, यहाँ के बीच का फेज जो है इसको GA1 फेज बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेस का। ये चीज़ें याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि नीट में आ जाती हैं कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है इसका। सो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेस इज द G1 फेज, ठीक है। आगे इसके और भी पॉइंट्स करते हैं, सबसे पहले इतना कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
रिटन. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट्स आर, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड दे ग्रोज कॉन्टिन्यूसली, ठीक है. और न्यूक्लियस जो होता है इसमें, इट हाउ एवर ग्रोज ओनली ओनली टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है. आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं. लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं फॉर हिस्टोन सिंथेसिस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है. ये भी फॉर्म हो जाते हैं. जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी इंक्रीज इन नंबर हो जाती हैं, ठीक है जी. और ये सब कुछ मैं आपको कराती हूँ, पहले इतना लिख लो, ठीक है. इसमें क्या होता है, वैसे आपका एक और चीज़ आएगी, ड्यूरेशन जो बच्चे जीवन फेज की रहती है वो वेरिएबल रहती है अलग अलग जगह पे. सो इट इज़ लॉन्गर फॉर द डिवाइडिंग सेल्स इनफ्रीक्वेंटली, जो इनफ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं वहाँ पर लॉन्गेस्ट हो जाती है जीवन फेज, ठीक है. सो इसके बाद ना एक ऑप्शन आती है कि जो शॉर्टर जीवन फेज होता है, इट अकर इन सेल्स अंडरगोइंग फ्रीक्वेंट डिविजन्स. जो फ्रीक्वेंट डिविजन करता रहता है ना सेल, जो मतलब होता है उसमें शॉर्टर जीवन फेज रहती है, ठीक है. लॉन्गर किस में रहती है, बच्चे जो कि इनफ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है, ठीक है. और जीवन फेज के ना, जब जीवन फेज में होता है सेल तो उसके पास ना थ्री ऑप्शंस रहती हैं. वो क्या तीन ऑप्शन रहती हैं वो मैं आपको आगे समझाती हूँ, पर ये लिख लो जल्दी से. समटाइम्स दे ओनली आस्क फॉर राइटिंग द इंटरफेस, पूरा एक्सप्लेन करो. तो इंटरफेस में ये सारे आगे के पार्ट्स आ जाते हैं, तो आपको हर एक पार्ट एक्सप्लेन करना होता है पॉइंट वाइज मैनर में, ठीक है. तो ये सबसे पहले लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. रिटर्न ओके. सेल ऑर्गेनेलिस इसमें इंक्रीज कर जाती हैं, ड्यूरेशन वेरिएबल रहती है. ये दो पॉइंट्स और भी लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं क्या क्या मतलब चॉइसेस होती हैं उसके पास. ठीक है. जीवन फेज जो बच्चे होता है उसके पास, सेल के पास तीन ऑप्शंस रहती हैं. क्या क्या ऑप्शन रहती हैं, टू कंटिन्यू द सेल साइकिल एंड एंटर द एस फेज, मतलब जो नॉर्मली जीवन से एस पे जाता है ऐसे कर ले, या स्टॉप द सेल साइकिल एंड एंटर द जी नॉट फेज. जी नॉट जो फेज होता है या जी जीरो जो फेज है, जी नॉट बोलते हैं उसको, ठीक है. और ये जो जीरो है वो उसके नीचे पैर पे आता है, जी नॉट फेज बोलते हैं, ठीक है. जी नॉट जो फेज होता है, जी जीरो नहीं बोलना, जी नॉट जो फेज है वो आपके जीवन फेज से पहले आता है. तो एक इसके पास ये भी ऑप्शन रहती है कि सेल साइकिल को भाई छोड़ो और जी नॉट फेज में दोबारा से वापस चले जाओ, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होने के लिए.
एक है गेट अरेस्टेड इन द जी1 फेज, कि वहीं पर जी1 में ही रहो, हैंस इट मे एंटर द जी0 फेज और री एंटर द सेल साइकिल, फिर वहीं पर ही थोड़ी देर के लिए वहीं पर ही विश्राम कर लो, सोच लो ठीक है जी। सो जी1 फेज के पास बचे क्या क्या ऑप्शन रहती हैं, टू कंटिन्यू द सेल साइकिल एंड एंटर द एस फेज, स्टॉप द सेल साइकिल एंड एंटर द जी0 फेज फॉर अंडरगोइंग द डिफरेंशिएशन पर्पस, एंड गेट अरेस्टेड इन द जी1 फेज, हैंस इट मे एंटर द जी0 फेज और री एंटर द सेल साइकिल, राइट। सो डू राइट इट, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला फेज भी स्टार्ट करेंगे, राइट। जल्दी से लिखिए, डिसाइडिंग फैक्टर किस पे डिपेंडेंट होता है, इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द माइटोजेंस एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, कि इतनी एनर्जी है, इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि मैं सेल साइकिल परफॉर्म कर सकता हूँ, फिर वो चलता है, ऐसे नहीं चलता, ठीक है जी। तो चेक पॉइंट्स होते हैं, सो दिस चेक पॉइंट इज नोन एज जी1 साइकिलिंग, एज यू नो GCG1 है ना, इट कॉजेज द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द G1 टू S फेज है ना। वंस द चेक पॉइंट ऑफ G1 फेज इज क्रॉस, द सेल साइकिल विल गो ऑन अनइंटरप्टेड टिल इट्स कंप्लीटेड, मतलब एक तरह की कमिटमेंट कर ली, अगर G1 से चल पड़ा आगे तो वो फिर रुकेगा नहीं, फिर पीछे नहीं मुड़कर देखेगा वो, ठीक है जी। तो ये होता है इसका, तो जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और S फेज को पढ़ते हैं, ठीक है। S फेज क्या होती है उसके बारे में वी विल बी गोइंग टू स्टडी। डन, ओके। नेक्स्ट इज एस फेज, ठीक है। एस फेज को ना सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है, सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, द क्रोमोसोम रेप्लिकेट, ठीक है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड फॉर दिस द DNA मॉलिक्यूल फंक्शन एज टेम्पलेट एंड दे फॉर्म द कार्बन कॉपीज, ठीक है। DNA कंटेंट जो होता है वो डबल किस में होता है, एस फेज में, याद रखना, ठीक है। जैसे 1C to 2C फॉर हेप्लॉइड सेल्स एंड 2C to 4C फॉर डिप्लॉयड सेल्स।
So as a result of the duplicate sets of the gene are formed along with the replication of the DNA, new chromatin fibers are formed, right? Which however remain attached in pairs and the number of chromosome does not increase. इसमें number of chromosomes जो होता है वो increase नहीं करता, ठीक है? As the chromatin fibers are elongated chromosomes, each chromosome come to have a two chromatin threads, right? Doubling हो रही है क्योंकि S phase को invisible phase भी बोला जाता है M stage का, ठीक है? It is also known as invisible stage of M phase since it is in this phase that the chromosome prepare themselves for the equitable distribution, ठीक है? इसी phase में वो अपने आप को prepare कर लेते हैं ताकि equitable division हो नहीं है, ठीक है? Subunits of the gonadocodes are synthesized in this. जो centrosome होता है, it also begin to divide in the centriole containing the cell to form the two centrosomes, ठीक है? दो centrosome बनाने के लिए और सेंट्रोसोम पेयर बनाने के लिए, ठीक है जी? ये हो गया एस फेस आपका, जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग जी टू फेस पढ़ते हैं, ठीक है? लिख लो जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसमें डबलिंग वाला सबसे बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे है, वो मिस मत करना कि इसमें डीएनए कंटेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। डन, ओके। लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज दैट इज जी टू फेज, ठीक है? एस फेज के बाद आता है जी टू, जो फेज है उसको सेकेंड ग्रोथ फेज या प्री माइटोटिक गैप फेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस जो डीएनए की हो रही होती है कब से वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है? हाउएवर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कॉन्टिन्यूस एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है? स्पिंडल फॉर्मेशन की मल्टीप्लीकेशन सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है and it prepare the cell to undergo the division. Second checkpoint which is known as mitotic cycline CM जो होता है, it lies between the G2 and M phase and causes the transition from G2 to M phase. ये हमने पहले किया, ठीक है? तो इसको बच्चे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई बार ही ना वो डिफरेंस डाल देते हैं कि G1 phase और G2 phase में क्या डिफरेंस है, तो आपको सारी थ्योरी आती होगी, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, राइट? सो जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द M phase दैट इज नोन एज mitotic phase. ठीक है, जल्दी से लिखो।
डन. ओके नाउ एम फेज. एम फेज इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज. ठीक है, माइटोटिक फेज बोलते हैं. एम फेज एक फाइनल फेज है सेल साइकिल का. इट रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन जो होती है वो एम फेज में ही होती है ना. और एस फेज में क्या होता था, रेडी होना स्टार्ट हो जाता था सेल डिवीजन के लिए. सो प्रायर टू इट द सेल कॉम्पोनेंट हैव अंडरगोन द डुप्लीकेशन, इससे पहले हो चुकी होती है. एम फेज इज देयर फॉर द स्टेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी डुप्लीकेट कॉम्पोनेंट्स. तो एक ऐसी स्टेज है जो पहले डुप्लीकेट हो चुकी है उसको सेपरेट करने के लिए. सो इट कंसिस्ट ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, है ना. सो आफ्टर एम फेज सेल में एंटर द फ्रेश साइकिल, है ना, दोबारा से स्टार्ट कर सकता है और पास इनटू द जी नॉट फेज. जी नॉट जो फेज है इट इज द स्टेज व्हेन द सेल साइकिल इज अरेस्टेड, रुक जाता है. देयरफॉर फर्दर डिवीजन स्टॉप एंड द सेल मे देन ग्रो इन साइज एंड बिकम डिफ्रेंशिएटेड. ठीक है, फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है. तो ये है इसका, इसको हम डीप में जाके आगे आगे लेक्चर्स में जो आने वाले हैं उसमें स्टडी करेंगे. बट अभी के लिए एम फेज के बारे में ये लिखिए जल्दी से, आपको पता होना चाहिए कि इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. इसमें एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होती है और जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है. और इसमें साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होती है. कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन या फिर प्रोटोप्लाज्म की डिवीजन, राइट. सो डन, जल्दी से इसको लिख लो. फिर उसके बाद लास्टली वी विल बी डूइंग द जी नॉट फेज, दैट इज द क्वीसेंट स्टेज ऑल्सो, राइट. उसके बारे में पढ़ेंगे. जल्दी से लिखो बच्चे इसको, जल्दी से लिखो बच्चे. जी नॉट फेज उसके बाद में वी विल बी डूइंग, ठीक है. तो इसको जल्दी से लिख लो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट. इसको जल्दी से लिख लो. डन. ओके नाउ वी विल बी डूइंग द जी नॉट फेज, ठीक है. जी जीरो नहीं बोलते, ये जो जीरो से आया उसके पैरों पे आएगा, ठीक है जी. सो इसको क्यूसेंट स्टेज भी बोला जाता है. इट इज़ द स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल साइकिल, हमने पहले भी पढ़ा. क्यों? क्योंकि इसमें माइटोजेंस नहीं होते, एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं होता, तो फिर कैसे सेल साइकिल करना है. तो बस वो कहता कि यहीं रुक जाओ. सो द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. They do not grow or differentiate. The cell function as a reserve cell which can join the cell cycle anytime. जब पूरी माइटोजेंस हो जाएंगे, एनर्जी कंपाउंड आ जाएंगे तब. डिफ्रेंसिएशन फेज भी बोला जाता है. डिफ्रेंसिएशन फेज मोस्ट ऑफ द सेल लीव द जीवन फेज मिडवे, ठीक है, बीच में छोड़ देते हैं. दे ग्रो इन साइज, अज्यूम पर्टिकुलर शेप एंड कम टू हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन. द फिनोमिना इज नोन एज सेल डिफ्रेंसिएशन. उसका हमने कुछ डिफ्रेंसिएशन का नहीं देखना, जितना लिखवाया है आपको जल्दी से वो लिखिए, फिर उसके बाद में वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है. यहीं पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. उसके बाद वी विल बी डूइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल डिवीजन इन द नेक्स्ट पार्ट. लेक्चर्स वगैरह में हम लोग चेकआउट करेंगे. सबसे पहले आप ये लिख लो, फिर उसके बाद में आपकी छुट्टी, ठीक है जी. जल्दी से लिख लो इसका, आई एम वेटिंग फॉर यू. जब भी आप लिखोगे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव लिखना, ठीक है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया. सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू.